वी ऑल नो मिथुन चक्रवर्ती सन मीमो चक्रवर्ती रेप जैसे सीरियस एलिगेशन में फंसे हुए हैं, बट स्टिल एज इट स्टैंड्स द वेडिंग डेट्स रिमेन्स द सेम। खबरों की माने तो मिथुन के बेटे मीमो की शादी अब 7 जुलाई को ही होगी। कहा जा रहा है कि मीमो की फैमिली और ब्राइड की फैमिली ने डिसाइड किया है कि ये एलिगेशन सच नहीं है, ऐसे में शादी 7 जुलाई को ही होगी। हम आपको बता दें कि मीमो के ऊपर एक लड़की ने रेप और चीटिंग का एलिगेशन लगाया है, जिसे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि इस लड़की के लॉयर ने कहा है कि शादी से पहले वो मीमो को अरेस्ट करवा देंगे। Now this definitely looks like a very serious case जहां rape, cheating और wrongful termination of pregnancy जैसे allegations लगाए गए हैं मीमो चक्रवर्ती पर, but this also looks like a scene from a Bollywood film जहां शादी होने वाली है और शादी के बस कुछ दिनों पहले आप पर इतना बड़ा केस ठोका जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी शादी की डेट्स चेंज नहीं की जा रही। ऊटी में शादी होगी और इस पे जिस लड़की ने एलिगेशन लगाए हैं उनके वकील का कहना है कि मैं हर कीमत पे शादी से पहले मीमो को अरेस्ट करवा के दिखाऊंगा। राइट, सो दिस इज क्वाइट कंफ्यूजिंग बिकॉज खुलकर कुछ सामने नहीं आ रहा है। बस इतना पता है कि एलिगेशन लगे हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग फ्रॉम द अदर एंड, क्या यहाँ पर हमारे जो अथॉरिटीज है वो क्या यहाँ पर स्टैंड ले रहे हैं? पता उन्हें एक बार फिर से बता देते हैं दैट मीमो चक्रवर्ती इज द सन ऑफ वेरी फेमस मिथुन चक्रवर्ती एंड उनके ऊपर एक एलिगेशन ये लगा है, एक लड़की जो कि उनके साथ पिछले 3 या 4 साल से रिलेशनशिप में है, उसका भी ये कहना है दैट इसने मुझे चीट किया है, he has raped me, it's because of him, मेरा मिसकैरेज हुआ है क्योंकि इसने मुझे दवाइयां दी हैं कुछ ऐसी जिसकी वजह से मिसकैरेज हो गया है, and now Mimu is getting married to some other girl, so maybe she is in a state of shock and इसलिए वो रेप जैसा सीरियस चार्ज लगा रही है। और यही नहीं, ये कहा है कि 4 साल तक उन्होंने रेप किया है, so this is quite shocking। और यहाँ पर सिर्फ मीमो चक्रवर्ती नहीं बट योगिता बाली जो उनकी मॉम है उन पर भी एलिगेशन लगाए गए हैं कि उन्हें थ्रेटन किया गया है। थ्रेटन किया गया है दैट डोंट इवन यू नो ड्रीम ऑफ बिकमिंग माय राइट डॉटर इन लॉ, बट आई एम श्योर द फैमिलीज आर गोइंग थ्रू अ लॉट, बट वी जस्ट होप दैट जो भी इस केस का यू नो वर्डिक्ट हो वो सही हो एंड लेट लॉ टेक इट्स कोर्स।